हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ये वाला सुंदर सा नीटिंग का पैटर्न। ये देखिए, ये आपका केबल डिज़ाइन है जो ही बहुत ही इजी है और आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। या आप स्वेटर बना रहे हो, आप कार्डिगन बना रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन स्वेटर बना के लेडीज़ स्वेटर, ये बीच में आप इसका कॉलर भी बना सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 9 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और ये 8 रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। जो हमारा फर्स्ट रो है, उसके बाद हमारा 5th रो है, उसमें हम ये केबल का डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखिए, अभी हमने 9 के मल्टीपल में यहाँ फंदे लिए हैं, 27 फंदे। तो रो 1 शुरू करेंगे अभी हम। रो 1 में आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 स्टिचेस आपको सीधा बुनना है, 1 2 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 6 स्टिच है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से आपको पहले 3 स्टिचेस को छोड़ के नेक्स्ट वाले 3 स्टिचेस को आपको राइट नीडल में ट्रांसफ़र करना है इस तरह से। फिर हम इन स्टिचेस, जो पहले के 3 स्टिच है, उनको हम इस तरह से पकड़ के ऐसे उतार लेंगे, उतार के इसे हम लेफ़्ट नीडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हम जो हमारे राइट नीडल में जो स्टिचेस है, उसे हम लेफ़्ट नीडल में ट्रांसफ़र करेंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद इन्हें हम सीधा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर दोबारा 3 हम सीधा फंदा बुनेंगे, 1 2 3। फिर से इन 3 स्टिचेस को छोड़ के नेक्स्ट के जो 3 स्टिचेस है, उनको हम पकड़ लेंगे इस तरह से हमारे राइट नीडल में। फिर सामने के 3 स्टिचेस को ऐसे पकड़ के हम नीडल से उतार देंगे, उतार के हम नीडल को पीछे ले जाके इनको इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद हम यू ट्रांसफ़र ऐसे इसे घुमा के जो हमारा राइट नीडल में जो 3 स्टिचेस थे, उनको हम दोबारा से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, 1 लेफ्ट नीडल में डाल लेंगे इन तीनों को। फिर हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर हम दोबारा से 3 सीधा फंदा बनाएंगे, 1 2 3। फिर अभी हमारे लास्ट के जो 6 स्टिचेस है, इन्हें भी हम इस तरह से ही बनाएंगे, केबल का डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। तो लास्ट के 3 स्टिचेस को राइट नीडल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम ये जो हमारा लेफ्ट नीडल में जो हमारा स्टिचेस है, इनको हम उतार देंगे, उतार के हम इसे डायरेक्टली इसमें डाल लेंगे। फिर हम इस तरह से इसे ट्विस्ट करेंगे और हमारा राइट नीडल में जो स्टिचेस था, उनको हम ऐसे लेफ्ट नीडल में डाल लेंगे। फिर हम इसे सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमारा रो 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आएंगे रो 2 में। रो 2 में हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करने हैं।
अभी हम आएंगे रो थ्री में। रो थ्री में भी हमें सारे फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। ये हमारा राइट साइड है, तो हम यहाँ पे सारे फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये राइट साइड है, तो हम इसे हर फंदे को सीधा सीधा बन के ये रो कंप्लीट करेंगे। अभी हम बनाएंगे रो फोर। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, तो इसे हमें पूरे रो को, रो फोर को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। अभी हम आ गए हैं फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में हमें क्या करना है, पहले हमने तीन सीधा फंदा बुना था, फिर हमने केबल का डिज़ाइन बनाया था, लेकिन अभी हमें जो पहले के सिक्स फंदे हैं, एक तीन तीन, इन सिक्स फंदों में हमें अभी केबल का डिज़ाइन डालना है। इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे। ये हमने इस तरफ डाला था, अभी हम इस तरफ डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, हम ध्यान से देखिए। इसे हम, जो हमारा पहला तीन फंदा है, इसे हम छोड़ देंगे। छोड़ के हम नेक्स्ट के जो तीन फंदे, 1 2 3, इनको हम पीछे से हमारे निडल में डाल देंगे। 1 2 3 डालने के बाद हम ये जो पहले के तीन फंदे हैं, इसे पकड़ लेंगे इस तरह से और निडल से उतार देंगे। उतारने के बाद दोबारा से निडल को हम इसमें डाल लेंगे, और जो हमारा राइट निडल में जो तीन फंदे थे, उसे हम लेफ्ट निडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इन छह फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर हमें तीन सीधा फंदा बुनना है। 1 2 3, फिर हमें दोबारा से यहाँ केबल डालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले के तीन स्टिचेस को छोड़ के नेक्स्ट के तीन स्टिचेस को हम पीछे से इस तरह से हमारे निडल में डाल लेंगे, राइट निडल में, और इन तीन स्टिचेस को, पहले के तीन स्टिचेस को हम ऐसे उतार लेंगे, और फिर इन्हें हम लेफ़्ट निडल में डाल लेंगे। फिर राइट निडल के स्टिचेस को हम इसमें लेफ़्ट निडल में डाल लेंगे, फिर हम इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। तीन सीधा फंदा बनाएंगे, 1 2 3, फिर ये तीन स्टिचेस को छोड़ के नेक्स्ट के तीन स्टिचेस को राइट निडल में डाल के इनको, पहले के तीन फंदों को आप पकड़ लीजिए अच्छे से, फिर इन्हें हम इस तरह से लेफ्ट निडल में डाल लेंगे, और फिर जो हमारे राइट निडल में जो फंदे हैं, उन्हें हम लेफ्ट निडल में डाल के उन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर जो लास्ट के तीन स्टिच रह जाते हैं, उनको आपको सीधा सीधा बुनना है। अभी हम आ गए हैं सिक्स्थ रो में। सिक्स्थ रो में हमें पूरे रो को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है।
फिर हमारा जो सेवेंथ रो है, सेवेंथ रो को हमें सीधा बुनना है। फिर जो हमारा ऑपोजिट साइड में एट्थ रो आएगा उसे हमें उल्टा बुनना है। चलिए ये दो रो बना के मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये एट रोज कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। फिर आपको इसी चीज़ को रिपीट करना है रो वन से, फिर आपका डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। ये देखिए, आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। थैंक यू।